हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग, एक बार जल्दी से बता दीजिए। वॉइस क्वालिटी कैसा है, जल्दी से बता दीजिए बेटा। साउंड वाउंड कैसे आ रहा है, लेट मी चेक ऑल्सो। हेलो, नमस्कार, नमस्कार। चलिए, ठीक है। चलिए, महबूब आ गए, प्रकाश, रितेश, कुलदीप, विनोद, अंकित, ठीक। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग है। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक, सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज देवपीर साहू, द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस चल रही है, सुबह के 9 बज गए हैं, सारे बच्चे आ जाइए। चलिए भाई, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, नाउन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। नाउन कल हमने पढ़ा था, नाउन द नंबर हमने पढ़ा, नाउन में आज हम जेंडर देखेंगे। ठीक है, मिनट। नाउन द जेंडर, सॉरी, अजय शर्मा बोल रहे हैं सर, प्लेलिस्ट बना देना। बिल्कुल, प्लेलिस्ट एक मैं बना देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउन द जेंडर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर नाउन को हम जेंडर के रूप में देखें, तो इसको चार प्रकार के जेंडर हम ने बनाया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अगर जेंडर की अगर हम बात करें, तो चार प्रकार के जेंडर होते हैं नाउन के। पहला देखिए, मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग। तीसरा पढ़ेंगे हम कॉमन जेंडर, उभयलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। और चौथा पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर, मतलब नपुंसकलिंग। ये चार प्रकार के लिंग हम पढ़ेंगे। और आज हम ये भी सीखेंगे कि मैस्कुलिन का फेमिनिन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए, कोई बोल रहा है आई एम न्यू, आइए बेटा, संता गुड से, ठीक है। मोहनलाल पूछ रहा है सर, पेड कोर्स कैसे मिलेगा? तो पेड कोर्स तो बेटा मैं आपको अनएकेडमी में ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपको पूरे, देखिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनएकेडमी में भी पढ़ाता हूं मैं, वहां पर भी पढ़ेंगे, यहां पर भी। और आपको अनएकेडमी में 200 और एजुकेटर भी मिल जाएंगे, जो आपको मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो 9755530555 पे मुझे कॉल कर लीजिए या टेलीग्राम कर लीजिए। ठीक है, काफी कम फीस है वहां पर, और लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। खाली पेज इधर पड़ा हुआ, यहां लेता हूं। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर की हम बात करते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर होते हैं जिससे पुरुष होने की बात हो, ठीक है, मेल होने की बात हो। तो ऐसे नाउन जो मेल होने को दर्शाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। जैसे कि मुझे बताइए, ब्रदर, ब्रदर एक प्रकार का नाउन है, ठीक है, और ये पुरुषवाचक आपका नाउन है, क्योंकि इसमें पुरुष की बात होती है। तो ब्रदर जो होता है वो पुरुषों के लिए यूज होता है, मादा या महिला के लिए यूज नहीं होगा। ठीक उसी तरह से बेटा फादर, ठीक है, ठीक उसी तरह से टाइगर, ठीक उसी तरह से ऑक्स, ठीक है, ठीक उसी तरह से बॉय, ठीक उसी तरह से ग्रूम, दूल्हा,
तो ब्रदर, फादर, टाइगर, ऑक्स, बॉय, ग्रूम, ग्रूम यानी दूल्हा होता है ना, नोट करके लिख लीजिए बेटा, ये सारा का सारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नाउन है जो आपके मेल को दर्शाता है, पुरुष होने को दर्शाता है, पुरुषवाचक को दर्शाता है। ब्रदर भाई, फादर पुरुष के लिए होता है, टाइगर भी एक तरीके से मेल के लिए यूज होता है, ऑक्स भी मेल के लिए यूज होता है, बॉय भी, और ग्रूम यानी दूल्हा ये भी मेल के लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर एक ऐसा जेंडर। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन में आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज में बता देता हूं, अभी आपको देखिए फादर ब्रदर तो आपको समझ में आ गया होगा ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसके अलावा सन, थंडर, डेथ, ठीक है। तो सन को भी, थंडर को भी, डेथ को भी हम मैस्कुलिन जेंडर में मानते हैं, जिसमें ऊर्जा की बात हो, थोड़ा एग्रेशन की, एग्रेसिवनेस की बात हो, थोड़ा सा मौत या डर की बात होती है, जो थोड़ा सा हीट कर रहा हो, एग्रेसिव हो, ठीक है ना, तो उसको भी हम मैस्कुलिन जेंडर में यूज कर लेते हैं। तो सन, थंडर, डेथ, ये भी आपके मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे बेटा। चलिए दूसरा देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं, फेमिनिन जेंडर, वे सारे जेंडर जिसमें फीमेल होने की बात हो, मादा होने की बात हो, स्त्रीवाचक की बात हो, वो आपके फेमिनिन जेंडर में आएंगे। जैसे कि गर्ल, सिस्टर आएंगे। चलिए और एग्जांपल दी तो जरा आप लोग भी दीजिए एग्जांपल फेमिनिन जेंडर में क्या जाएंगे। ठीक है, तो गर्ल, सिस्टर, मदर, ठीक है, ब्राइड, बताइए जरा ये सब होंगे कि नहीं होंगे। तो गर्ल हो गए, सिस्टर हो गए, मदर, ब्राइड, तो ये सब क्या, सब क्या है आपके। और जैसे अपन ले सकते हैं टाइग्रेस, ठीक है, काउ, हेन, हेन यानी मुर्गी, ठीक है, वेरी गुड। तो गर्ल, सिस्टर, मदर, ब्राइड यानी दुल्हन, टाइग्रेस मतलब होता है मादा, बाघ, काउ, गाय, हेन यानी मुर्गी, तो ये सारे कहीं ना कहीं फीमेल को दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर थ्री देखते हैं बेटा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को उभयलिंगी भी कहा जाता है, वे जेंडर जो दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाए। इस चीज को समझना, आपका जो मस्कुलिन होता है, ठीक है, उसके लिए हम अलग तरीके से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। जैसे सिंपल सी बात मैं बताता हूं, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि ही इज माई फादर। अब आप मेरे को ये बताइए, फादर शब्द आया, फादर शब्द आया, ठीक है, उसके लिए आपने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, ही। क्या आप ये ऐसा बोल सकते हो क्या, शी इज माई फादर, मेरे को बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो चूंकि फादर मेल है, तो मेल के लिए हम मेल प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो ही का प्रयोग होगा, शी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनेंगे आने वाले समय में, मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ठीक उसी तरह से आप लिख सकते हैं, शी इज माई मदर। तो मदर आपकी फीमेल नाउन है, फीमेल जेंडर है, तो इसलिए आप उसके लिए शी का यूज करेंगे।
अब बात करते हैं कॉमन जेंडर, तो वे जेंडर जो दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाए। ऐसे सारे नाउन या ऐसे सारे जेंडर जो पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये यूज हो जाए तो हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे कि फ्रेंड शब्द हो सकता है क्या कॉमन जेंडर? जैसे कि शी इज माई फ्रेंड और ही इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड के लिए आप ही और शी दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन मदर के लिए आप केवल शी यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड के लिए आप कर सकते हो भैया टीचर, डॉक्टर, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है, क्लासमेट, वर्कर। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, क्लासमेट, वर्कर, ठीक उसी तरह से आपका बेबी, उसी तरह से चाइल्ड। अच्छा लोग, बड़ा मजेदार बात मैं बताता हूं, यहां पर भी जो बेबी जो शब्द है बेटा, ये कॉमन जेंडर है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन भारतीय लोग भी इसमें भी संधि विच्छेद बड़ा कुछ अजीब सा कर डालते हैं, ठीक है। जैसे किसी का बच्चा होने वाला है तो बोलते देखना तुम्हारे यहां बेबी होगा, नहीं देखना तेरे यहां बाबा आएगा, तो बाबा और बेबी कर देते हैं भैया, तो ये गलत है। तो बेबी जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो मेल बेबी और फीमेल बेबी लिखा हुआ आता है, ठीक है। चाइल्ड, तो अगर ध्यान से देखिए बेटा, तो फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, ड्राइवर, क्लासमेट, वर्कर, बेबी, चाइल्ड, ठीक है, तो ही इज माई चाइल्ड, शी इज माई चाइल्ड, मतलब सीधी सी बात है, इसके लिए ही और शी दोनों यूज कर सकते हो, तो आप एग्जैक्ट पता चल जाएगा, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, ही इज माई क्लासमेट, शी इज माई क्लासमेट, ही इज अ ड्राइवर, शी इज अ ड्राइवर। तो कॉमन जेंडर देखने का एक ही आसान तरीका है, ही और शी लगा के आप सेंटेंस बनाइए, अगर बन जाता है तो मान के चलिए 100% आपका सही है, ठीक। चौथा आप देखिए, न्यूट्रल जेंडर, जिसका कोई जेंडर ही ना हो, नपुंसक, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो जिसका कोई जेंडर ही ना हो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जितने भी वस्तु हैं वो सबके सब बेटा न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, जितने भी वस्तु है, जैसे कि आपका पेन, कॉपी, बुक, कार, ये सब के सब न्यूट्रल जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ही इज माई पेन, शी इज माई पेन नहीं यूज करोगे, इट इज माई पेन यूज करोगे, इट इज माई कॉपी, ठीक है। तो जितने भी वस्तु हैं सब के सब आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। दूसरा है, जितने भी कीड़े मकोड़े या छोटे जीव जंतु हैं उनके लिए आप इट का प्रयोग करोगे, अर्थात उसको भी न्यूट्रल जेंडर में माना जाता है, उनका कोई जेंडर नहीं है ये मान के हम चलेंगे, ठीक है। तो जितने भी वस्तु है, अर्थात अगर हम बोलेंगे उनको नॉन लिविंग, ठीक है, क्योंकि वस्तुओं को तो हम निर्जीव मानते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु है वो भी न्यूट्रल जेंडर में आपके आएंगे बेटा, ठीक है। तीसरा, जितने भी कलेक्टिव नाउन है आपके, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उसको भी न्यूट्रल जेंडर में लिया जाता है, जैसे टीम, फैमिली, क्लास, तो ये सब के लिए ही या शी का प्रयोग नहीं करेंगे, ही इज माई टीम, शी इज माई टीम,
या ही इज माई फैमिली, शी इज माई फैमिली, है ना, ही इज माई क्लास, शी इज माई क्लास, तो इट का प्रयोग होगा। तो सीधी सी बात है, जिसके लिए आप ही और शी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। तो टीम, फैमिली, क्लास। फिर चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बेटा और जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सबके सब आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बताया था, ऑनेस्टी, ठीक है, एंगर, ये सब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं और ये सब के सब बेटा आपके न्यूट्रल जेंडर में आएगा। मटेरियल नाउन में मैंने आपको बताया था वॉटर, मिल्क, ठीक है, शुगर। तो वाटर, मिल्क और शुगर ये सब भी आपके पदार्थवाचक संज्ञा है, सबके सब किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मैस्कुलिन का फेमिनिन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैस्कुलिन से फेमिनिन करने के तरीके के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहला तरीका यह है कि सीधा सीधा हम शब्द का परिवर्तन पूर्ण रूप से कर देते हैं तो उससे मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। देखिए, रूल नंबर वन, शब्द परिवर्तन द्वारा, बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होगा। तो जैसा पुल्लिंग में है, पुल्लिंग को चेंज ना करते हुए फेमिनिन के लिए एक अलग से शब्द आ जाएगा, तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। जैसे कि बॉय, तो बॉय यानी लड़का होता है, तो इसका अगर हमको फेमिनिन निकालना है तो इसके लिए गर्ल, तो एकदम से एक नया शब्द आ गया। समझ में आ रहा है? इसलिए जैसे कि ब्रदर, तो ब्रदर यानी भाई, भाई का क्या हो जाएगा, सिस्टर। फादर, फादर का मदर। नेफ्यू का निस। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा था कि सर हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो इस बार मैं हिंदी भी लेके आ गया। चलिए, मोहन सोलंकी, आइए बेटा। डॉग यानी कुत्ता, बीच यानी कुत्ती या कुतिया, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, हस्बैंड यानी पति, वाइफ यानी पत्नी। तो बिल्कुल से एक नया शब्द आ रहा है मैस्कुलिन का फेमिनिन करने के लिए। सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी, अंकल यानी चाचा, आंटी यानी चाची। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देख लीजिए सारा किच। ठीक है, ठीक उसी तरह से बुल यानी सांड, काऊ यानी गाय, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी, ब्राइड ग्रूम दुल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, विडोवर यानी विधुर, विडो यानी विधवा। तो जिसके पत्नी मर जाते हैं बेटा उसको विडोवर कहा जाता है। ठीक है, मॉन्क यानी मठवासी, नन यानी मठवासनी, रैम भेड़ा, एफ भेड़ी, फॉक्स यानी लोमड़ी, विक्सन यानी मादा लोमड़ी, सर और मैम, मैन और वुमन, लवर और बिलव्ड, लैड यानी लड़का, लैस यानी लड़की। ठीक है, तो यहां पर हमने रूल नंबर वन देखा कि सीधा सीधा एक नया शब्द का प्रयोग हम फेमिनिन के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर टू, शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर, बाय सफिक्सिंग द वर्ड्स। मतलब क्या होगा कि जो भी मैस्कुलिन होगा उसके लास्ट में हम कुछ ना कुछ सफिक्स जोड़ देंगे जिससे कि वो फेमिनिन बन जाएगा। तो पहला हम रूल इसमें देखेंगे कि ई डबल एस जोड़कर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे। रूल नंबर वन में हमने सीखा कि एक नए शब्द का प्रयोग करते हुए हमने मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाया। रूल नंबर टू में हम क्या करेंगे कि जो भी मैस्कुलिन है उसके अंत में हम सफिक्स जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे कि वो मैस्कुलिन फेमिनिन बन जाएगा। इसमें हम रूल नंबर वन पढ़ेंगे, ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाए। तो जो भी मैस्कुलिन वर्ब नाउन रहेगा उसमें हम ई डबल एस जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए, गॉड, गॉड यानी होता है देवता। अब इसमें हम ई डबल एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गॉडेस। तो गॉडेस का मतलब हो जाएगा बेटा देवी, ठीक है, तो ये हमने फेमिनिन कर दिया। लॉयन, लॉयन यानी होता है शेर, लॉयनेस। तो देखिए, लॉयन में हमने क्या कर दिया, ई डबल एस जोड़ दिया तो ये शेरनी बन गए। पोएट, तो पोएटेस।
कवि या कवित्री, प्रीस्ट यानी पुजारी, तो प्रिस्टेस पुजारिन हमने बना दिया इसमें बेटा, ऑथर यानी लेखक, ऑथरेस, ठीक है। तो यहां पर भी हमने ई डबल एस जोड़ के हमने लेखिका बना लिया इसको, ठीक है। थोड़ा सा लेटर्स आपको छोटे दिख रहे होंगे काफी सारा कंटेंट डालने के चक्कर में, ठीक है। शेफर्ड, शेफर्ड मतलब होता है गडेरिया, मतलब जो भेड़ वगैरह को हांकते हैं, ठीक है। तो शेफर्डेस गडेरिन हो जाएगा। एयर, एरिस, तो वारिस, वारिस को एयर बोला जाता है बेटा, और वारिसिन को एरिस, ठीक है। होस्ट यानी मेजबान, होस्टेस मादा मेजबान, मेयर महापौर, मेयरेस महिला महापौर, ठीक है। पैट्रॉन, पैट्रोनेस, तो यहां पर भी आपने क्या कर दिया, ई डबल एस जोड़ के आपने इसका फेमिनिन बनाया। तो पहला रूल हमने देखा कि ई डबल एस जोड़कर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। दूसरा देखेंगे, कुछ शब्दों के आंतरिक वॉवेल को निकालकर अंत में ई डबल एस जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि यहां पर देखिए रूल में लिखा हुआ है, कुछ शब्दों के आंतरिक वॉवेल को निकालकर, अंदर में जो वॉवेल होगा उसको हटा देंगे और उसके बाद ई डबल एस जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि है टाइगर, तो ध्यान, पहला देखिए एक्टर, एक्टर में ए सी टी ओ आर है, तो हमने क्या किया, ओ को हटा दिया और उसके बाद ई डबल एस जोड़ दिया। तो एक्टर में हमने पहले क्या किया, ए सी टी आर किया, हमने क्या किया, ओ को हटाया, ओ को हटाने के बाद क्या बच गया, ए सी टी आर, अब इसके बाद हमने ई डबल एस जोड़ दिए, तो ये बन गया एक्ट्रेस। तो एक्टर का क्या हो जाता है, एक्ट्रेस। टाइगर का टाइग्रेस, बाघ का बाघिन, तो हमने क्या किया, यहां पर ई को हटा दिया, ई को हटाया तो ये क्या हो गया, टी आई जी आर, और उसके बाद हमने ई डबल एस जोड़ दिया, तो टाइग्रेस, ठीक है। तो दूसरा रूल में हम ये सीख रहे हैं कि ई डबल एस तो जोड़ेंगे लेकिन अंदर के कुछ वॉल को हटा देंगे। नेग्रो, हफ्सी, नेग्रेसेस, हफ्सिन, ठीक है। ट्रेटर, ट्रेटरेस, वेटर, वेटरेस, ठीक है। कंडक्टर, कंडक्टरेस, ठीक है। तो ये सारा है बेटा। पाउंडर, पाउंड्रेस, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसका आपको पूरा पीडीएफ अभी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब याद करना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब पूछते हैं, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, कुछ शब्दों के आंतरिक बदलाव कर अंत में ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाएगा। तो कुछ शब्दों के आंतरिक बदलाव करके अब देखते हैं क्या क्या बदलाव होगा। मास्टर, तो मास्टर में देखिए ई डबल एस तो जोड़ रहे लेकिन पहले कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो मास्टर को हमने क्या कर दिया, पहले एम आई एस टी आर, ठीक है। तो मास्टर को हमने पहले क्या किया, एम आई एस टी आर, उसके बाद हमने ई डबल एस जोड़ा, तो ये हो गया मिस्ट्रेस, तो मालिक का मिस्ट्रेस। अबट, ठीक है, तो अबट का हमने क्या किया, मठाध्यक्ष, जो भी मठ होता है उसके अध्यक्ष को अबट कहा जाता है, तो हमने पहले क्या किया, इसको ए डबल बी कर दिया, अर्थात ओ और टी को हमने हटा दिया। तो कुछ आंतरिक चेंजेस करने के बाद, ठीक है, छोटू शर्मा बेटा, कोई ऐसा तरीका नहीं है आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा। एम्परर, एम्प्रेस, मर्डरर, मर्डरेस, तो मर्डरर में भी आप देखिए तो एम यू आर डी ई आर, तो ई आर जो है लास्ट में उसको हटा के ई डबल एस जी ई डबल एस जोड़ा जा रहा है, तो मर्डरेसेस हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, शब्दों के पहले शब्दांश या दूसरे शब्द जोड़कर बाय प्रीफिक्सिंग और कंपाउंडिंग द वर्ड, तो शब्दों के पहले कुछ दूसरा चीज जोड़ दीजिए तो उससे भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं, फादर इन लॉ, तो कुछ शब्दों के पहले शब्दांश या दूसरा शब्द जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाए, तो देखिए, तो आप क्या करते हो, कंपाउंड अगर इस तरह से कोई नाउन आ रहा है तो हम एक को चेंज करके फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देंगे बेटा। तो फादर इन लॉ का क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, दामाद, डॉटर इन लॉ, तो आपने क्या किया, सन के जगह डॉटर आपने कर दिया और बाकी ज्यों का त्यों रखा,
तो आपका ये फेमिनिन हो गया। ब्रदर इन लॉ यानी साला, सिस्टर इन लॉ यानी साली, बुल काफ बछड़ा, काउ काफ, ठीक है। तो बुल काफ बछड़ा होता है और काउ काफ बछिया ये होता है, ठीक है। जेंडर ऑफ द प्रोनाउन, अब अभी तक तो हमने नाउन का ही जेंडर देख रहे थे, थोड़ा सा प्रोनाउन का भी जेंडर हल्का सा अपन देख लेते हैं ताकि आपको काम आए, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर की अगर अपन बात करें बेटा, तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये मैस्कुलिन होगा। ये सब का प्रयोग हम जो है मैस्कुलिन नाउन के लिए करेंगे, ठीक है ना। मैस्कुलिन नाउन के लिए मतलब टाइगर के लिए कर सकते हो आप, राज के लिए कर सकते हो, ब्राइड ग्रूम के लिए कर सकते हो, फादर के लिए, ब्रदर के लिए। प्रोनाउन ऑन फेमिनिन जेंडर, तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ये सब आपके फेमिनिन नाउन के लिए यूज करेंगे। प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर, तो मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, योर, ये सारा आपका प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है। प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए आप क्या यूज करोगे, इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, विच, बहुत सारे हैं। प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स, जो सभी जेंडर के लिए यूज हो सकता है, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, दीज, दैट, ईच, इधर, नीदर, मेनी, बोथ, वर्ड्स, ये सबके लिए यूज कर सकते हो। जैसे दिस शब्द है, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, ठीक है, दिस इज माई टीचर, दिस इज माई डॉग। तो दिस एक ऐसा प्रोनाउन है जो सभी जेंडर के लिए यूज हो सकता है। चार जेंडर मैंने आपको पढ़ाया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। तो दिस का जो प्रयोग है या दे का जो प्रयोग है, ईच का प्रयोग, ईदर का, नीदर का, ये सारे जेंडर के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं, याद रहेगा। चलिए तो बिना समय गवाए आज वोकैबुलरी याद करते हैं बेटा। तो पहला शब्द देखिए, धक्का देना, एक मिनट, तो पहला शब्द आ रहा है बेटा धक्का देना। धक्का देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हसल, क्या बोलते हैं, हसल, धक्का देना, हसल। शिट, ठीक है, हो गया। तो धक्का देना, हसल, हसल यानी धक्का देना। दे हसल्ड हिम आउट ऑफ बार, वे उसे धक्का देकर बाहर, बार से बाहर निकाले। तो धक्का देना, हसल, हसल यानी धक्का देना। अना लुसिया ओलिवेरा सिल्वा, प्लीज एक्सप्लेन ओनली इन इंग्लिश बिकॉज हियर देयर आर पीपल ओवर द वर्ल्ड। सो माय डियर अना लुसिया, see that I live in India and most of the Indian they speak Hindi language, so this is the issue and I have devoted my life for Indian right now, that I have not started any sort of the classes for overseas people. So soon if I'll make or if I'll start any kind of the classes, so definitely I'll use English language, but right now that sorry, because that most of the people, my audience and my lovers and my subscribers, they are from two tiers and three tier cities and mostly they belong to Hindi medium, their background is Hindi medium, so it's very tough if I'll speak in English. So ab utni English unko aati to utna thodi nahi dekhte, theek hai. Chale to dhakka dena yani hasal, hasal yani dhakka dena. Josal, josal ya basal ya push, ye iske synonym honge. Dupe yani hota hai kisi ko dhoka dekar kuch bhi kara lena. Bamboozle aur bejail bhi aap iska synonym bol sakte ho. एंटीनिम होगा अनडिसीव, कंज्यूमर वर ड्यूब्ड इनटू बाइंग फॉल्टी कंप्यूटर सिस्टम, उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली खरीदने के लिए ठगा गया, ठीक है। चलिए
दीपक कुमार इंग्लिश का कोई ऐप है क्या? तो बिल्कुल मेरे पास ऐप है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां एक बहुत बढ़िया ऐप है, वो मिल जाएगा आपको, और वहां से भी आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो किसी को भी धोखा देकर कुछ भी करा लेना, चलिए बोलकर देखिए, ड्यूप, ड्यूप यानी किसी को धोखा देकर कुछ भी करा लेना। लेबोरेटरी कभी आप सारा इसका तो निशाना भी खराब है तेरी तो, ठीक है, और इतना वाहियात साला सुसु कर रहा है या उल्टी कर रहा है। शौचालय याने होता है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी याने होता है शौचालय। कभी आप फ्लाइट में ट्रेवल करें तो बराबर यही लिखा हुआ मिलेगा, प्लीज कीप द लेबोरेटरी क्लीन, कृपया शौचालय को साफ रखें, ठीक है। चलिए, शौचालय याने लेबोरेटरी, लेबोरेटरी याने शौचालय। एम्फीबियन, कुछ ऐसे जानवर होते हैं बेटा जो दोनों जगह रह सकते हैं, देर आर मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स विच कैन लीव बोथ लैंड एंड वॉटर, ठीक है, तो वो लेबोरेटरी, लेबोरेटरी कहां से, एम्फीबियन कहलाते हैं, ठीक है। उभयचर, उभयचर यानी होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन, फ्रॉग, सेलेमेंडर, ये इसके एग्जाम्पल है। सेलेमेंडर तो देखिए बड़ा भयंकर जीव है ये, ऐसा बताया जाता है, उसके हाथ पर कट जाते हैं तो वो भी फिर से उगाता है, ठीक है। तो उभयचर, उभयचर, एम्फीबियन, एम्फीबियन, उभयचर, उभयचर, एम्फीबियन। एरोगेंट, अहंकारी या हटी, दैट्स कॉल्ड एरोगेंट। हॉटी जिसको हम लोग बोलते हैं, अजम्पटिव या बम्शियस, अजम्पटिव या बम्शियस आप बोल सकते हो सिनोनिम में। लोली या मॉडेस्ट, ये आपके एंटीनेम होंगे, याद रखना बेटा, ब्लैक कलर में आपके सिनोनिम है और नीचे का एंटीनेम्स होता है, ठीक है। सुरेश खांग खंडाना, खंडगना, डेली एक्सरसाइज कराता है, अभी तो पढ़ा रहा हूं बेटा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कराऊंगा। अनिमेश मिश्रा, सर मेरे यहां पीडीएफ ऑन नहीं हो रहा है। भाई पीडीएफ के लिए पहले कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, रीडर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सब चलेगा, ठीक है। और कोई भी जैसे प्रॉब्लम आता ना, यूट्यूब में सर्च कर लिया करो, आपको कोई ना कोई बता देगा। तो एरोगेंट, अहंकारी, हटी, ठीक है, हॉटी जिसको आप बोल सकते हो। कपूत, जिसका कोई मूल्य ना हो तुच्छ, तो जिसका कोई मूल्य ना हो तुच्छ, दैट्स कॉल्ड कपूत, कपूत यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, यू आर रियली अ कपूत, तुम सच में तुच्छ हो। हाँ ठीक है विनोद, कमंडी भी बोल सकते हैं। हाउ एल्स, और कैसे, और कैसे को हम बोलते हैं हाउ एल्स, हाउ एल्स, और कैसे, हाउ एल्स डू यू वॉन्ट टू गो, आप और कैसे जाना चाहते हो, तो हाउ एल्स, और कैसे। कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन यानी कितनी बार, कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार, आप यहां कितनी बार आए, हाउ ऑफन यू केम हियर, ठीक है। विच एल्स, और कौन सा, विच एल्स, और कौन सा, ठीक है, विच एल्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें और कौन सा चाहिए, ठीक है। फीबल, फीबल यानी होता बेटा कमजोर या दुर्बल। His heart beat was feeble and irregular. उसके दिल की धड़कन कमजोर और अनियमित थी, तो कमजोर या दुर्बल को feeble बोलते हैं। Asthenic आप बोल सकते हो, debilitated भी बोल सकते हो आप synonym में। Mighty, ताकतवर, powerful, तो कमजोर के बजाय आप mighty या powerful इसके antonyms होंगे, ठीक है। रेखा उपाध्याय प्रणाम बोल रही है, नमस्कार बेटा, आइए। चले तो फीबल, फीबल यानी कमजोर या दुर्बल। कुडोस, अक्सर न्यूज चैनल में आपको यह सुनने को बहुत मिलेगा, बहुत सारे प्लेयर्स वगैरह यूज करते हैं, कुडोस टू अवर सोल्जर्स, कुडोस टू अवर फार्मर्स, तो हमारे सम्मान, हमारे सोल्जर्स को सम्मान है, किसानों को सम्मान है, तो सम्मान यानी कुडोस। क्रेडिट, डिस्टिंक्शन आप बोल सकते हो सिनोनिम में। डिसऑनर, डिसरिगार्ड, ये आपके एंटीनिम्स हो जाएंगे। ही इज लुकिंग फॉर कुडोस रादर देन प्रॉफिट, वह फायदे की बजाय प्रशंसा और सम्मान को खोज रहा है, ठीक है। तो सम्मान यानी कुडोस, कुडोस यानी सम्मान, सम्मान यानी कुडोस। लुकवाम, हल्का गुनगुना पानी को लुकवाम कहा जाता है, तो गुनगुना, गुनगुना, लुकवाम, टोस्टी या वाम बोल सकते हो। रेफ्रिजरेटेड, अनहीटेड इसके एंटीनेम होंगे। इट्स चिल्ड वाटर, आई नीड लुकवाम वाटर, यह ठंडा पानी, मुझे गुनगुने पानी की आवश्यकता है। हालांकि, हाउ एवर, हालांकि, हाउ एवर, ठीक है। हाउ एवर ही वॉज सिक बट ही केम, हालांकि वह बीमार था पर वह आया। हाउ एवर, हालांकि,
एक तरीके से कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं बेटा इसको, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, हालांकि, हाउएवर। गुडविल यानी सद्भावना, बेनेवलेंस, कंपैशन आप सिनोनिम यूज करेंगे, हॉस्टेलिटी, राइवलरी, एंटागोनिज्म, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो बेनेवलेंस या कंपैशन आपके सिनोनिम्स है। तो गुडविल यानी सद्भावना, गुडविल यानी सद्भावना। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ गुडविल थ्रू आउट द सीरीज ऑफ मैचेस, सद्भावना का एहसास पूरे मैचों की श्रृंखला में थी। वाइसेस एंड वर्चूज, गुण व दुर्गुण, हर एक इंसान के अंदर गुण व दुर्गुण होते हैं, दैट्स कॉल्ड वाइसेस एंड वर्चूज। वी शुड चेक फर्स्ट वाइसेस एंड वर्चूज, हमें हम पहले दुर्गुण व गुण की जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो गुण व दुर्गुण, वाइसेस एंड वर्चूज, वाइसेस एंड वर्चूज, ठीक। तो क्लास फिर यहीं तक रखते हैं बेटा, आज तो थोड़ा जल्दी हो गया, कोई बात नहीं। तो नाउन द जेंडर आज हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए सारा मटेरियल, आपको सारा मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ठीक है। और जो बच्चे भी कॉम्पिटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और SSC की, CHSL और या CGL की, तो मैं आपको बता दूं मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, तो वहां से आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा। 9755530555 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, 9755530555। तो वहां पर भी पेड कोर्स है, एक साल का फीस मात्र 5400 है बेटा, और इसमें आपको 200 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी पढ़ाएंगे। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ा रहा हूं, मेरी तो क्लासेस चल ही रही है, पूरा साल भर का कोर्स बना हुआ है। तो एक साल का फीस है मात्र 5400, 200 से ज्यादा एजुकेटर पढ़ाएंगे, डेली लाइव क्लासेस होगा, डेली आपको मटेरियल मिलेगा और क्विजेस वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, काफी कुछ मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें या टेलीग्राम करें। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय।